अंदर मूव करना जहां पे टीम्स ऑलरेडी आपके लिए बैठी है। हाइड्रा की बात करेंगे, पिछली गेम के अंदर डेंजर अकेले बचे थे, इरांगल का मैच था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड बहुत बढ़िया तरीके से प्रदर्शन दिखाया भी, लास्ट तक वेट किया टीम के, लेकिन अब दिक्कतें बढ़ेंगी। रैथ भी बाहर आ चुके हैं, सोल वर्सेस हाइड्रा एक बहुत क्रूशियल फाइट होने वाली। अल्ट्रॉन को यहाँ पे स्पॉट कर लिया गया है, हाइड्रा के सिस्टर जो कि एक आउटर एरिया होल्ड कर यहाँ पे ट्राई कर स्पॉट करेगा, यहाँ पे स्पॉट हो चुके अल्ट्रॉन, पता चल चुका है कि अल्ट्रॉन ऑलरेडी इस फाइट से डिसएंगेज कर चुके हैं। क्या टीम हाइड्रा हंट डाउन करेगी आगे बड़ी गोस, पीछे सोल की ढाल खड़ी है, पीछे मावी खड़े हैं, अगर मावी की तरफ से एक स्प्रे पड़ गई ना आराम से उन प्लेयर्स को डाउन करेंगे जो कि यहाँ पे अल्ट्रॉन को डाउन करने के लिए आगे बढ़ते, क्योंकि नहीं सिनिस्टर वॉज द गाय जो कि बहुत बढ़िया तरीके से कवर के अंदर स्मोक के ऊपर यहाँ पे डाउन करेंगे अल्ट्रॉन को, एंड मावी को ये चीज पता भी नहीं चलेगी कि प्लेयर की साइड बैठा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया इस चीज। हाइड्रा ने ठान ली कि रोटेशन के साथ में चलो फाइट एंगेजमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा मावी के लिए मुसीबत बन सकता है, और ये देख सकते हो हाइड्रा के सिनिस्टर को डाउन करा जाएगा स्काउट के तरफ से, यहाँ पर शॉट कनेक्ट करा गया है, एक प्लेयर को ब्रीडर पे डाल चुके, बट स्काउट के पास में तीन फॉस्टेड है और एक मेडिकेट अवेलेबल है, तो एक हिसाब से जोन के बाहर का एरिया थोड़ा सा डैमेज आपको जरूर से देखने मिलेगा, पर सेकंड वाला जोन अभी क्लोज हो रहा है। हाइड्रा की टीम के ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग होती हुई नजर आएगी, एक हिसाब से रिवाइवल प्रोवाइड करा जाएगा, दूसरी ओर से यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई नजर आएगी, मावी ने यहाँ पर करी क्लोजिंग, मावी जो कि स्काउट कर चुके स्पॉट आउट हो चुके हैं, रेड और नेट पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, नेट अगर परफेक्शन वाला डाला जाएगा तो मुझे लग रहा है मावी को एडवांटेज मिल सकता है, नेट डाल चुके हैं, क्या ये नेट के साथ में नुकसान होता है, ओके कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, वहां पे हीलिंग सप्लाई कर चुके हैं मावी, फिर भी यहां पे नेट डालने की कोशिश करेंगे, स्मोक के अंदर नेट डाल रहे हैं, तो आप देख लो मैंने पहले भी बताया था हर्षा कि अगर आप स्मोक यूज करते तो एनिमीज को यहां पे ऐसा लगता है कि स्मोक के अंदर प्लेयर्स अवेलेबल है, दूसरी ओर देखे तो डेंजर इज लाइक ब्लीडर पे है, और सामने देखा था स्काउट यहां पे स्पॉट आउट हो चुके, थोड़े से स्प्लिट आउट पे चले गए सोल के प्लेयर्स, और वाइपर अभी फिलहाल वाइपर के ऊपर भी प्रेशर रहेगा बिकॉज वाइपर यहां पे काफी डैमेज के साथ में, और शायद से मुझे लग रहा है प्लेयर यहाँ पे काफी क्लोजिंग के साथ में, तो लेट्स सी देते सोल वर्सेस हाइड्रा आमने सामने, बट यहाँ पे वाइपर को डाउन करा जाएगा, पूरे का पूरा फिनिश आउट यहाँ पे ले चुके, मावी भी काफी डैमेज के साथ में, मुझे लग रहा है रेथ यहाँ पे उनका पिक्स आउट निकालने की कोशिश जरूर से करेंगे, और दूसरी ओर देखे तो फ्लैंक एरियाज पे आई थिंक सो यहाँ पर स्काउट निकल चुके, यस पत्थर का सहारा लेंगे, पत्थर के सहारे के साथ में मावी ने प्यारा सा शॉट कनेक्ट किया, और प्यारे से शॉट के साथ में मावी को भी डाउन करा जाएगा, बट स्काउट आज हमारे जो के प्यारे से पल दिलाने वाले एक अकेला प्लेयर अभी हाइड्रा की टीम की तरफ से बचा हुआ है, डेंजर को सर्वाइव करना है यहाँ पे हाइड्रा की टीम की तरफ से, दो प्लेयर्स को रिवाइवल प्रोवाइड करना है, और निकल चुके प्लेयर सामने स्काउट वर्सेस प्लेयर आमने सामने, वन वर्सेस वन का सिनेरियो आ चुका है, एक प्लेयर को रिवाइवल दोनों को प्रोवाइड करना है, तो एक हिसाब से अभी जो चाहिएगा वो यहाँ पर जो के बैकअप प्रोवाइड करेगा, और ये देख सकते हो जो कि हमारे स्काउट की तरफ से बहुत ही प्यारा सा शॉट गया, तीन फिनिशेस गेन कर चुके, मतलब आप देख रहे हो पूरी की पूरी हाइड्रा की टीम के तीन प्लेयर्स को डाउन कर चुके हैं, और एक फिनिश पॉइंट कहीं ना कहीं मावी ने गेन किया।